अस्सलाम वालेकुम लेडीज़ एंड जेंटलमैन, कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज़ समर हसन और मैं फाउंडर हूँ एपिफनी की, जो कि एक इदारा है जो एंटरप्रेनर्स के साथ काम करता है, सोशल एंड क्रिएटिव एंटरप्रेनर्स बाय एंड लार्ज ये हमारा काम है। इसके अलावा हम कम्युनिटी बिल्डिंग का बहुत सारा काम करते हैं, एडवाइजरी सर्विसेज ऑफर करते हैं, कंसल्टिंग करते हैं और गेमिंग करते हैं। सो यू नो, सो दैट्स अस। एंड ये जो हमारा एक सेशन होता है, बहुत स्पेशल होता है बिकॉज इट इज़ ऑल अबाउट वुमेन एंड शो केसिंग रोल मॉडल्स। सो क्यों ये इंपॉर्टेंट है और स्मैशिंग इट का नाम कहाँ से आया। सो स्मैशिंग इट का नाम मेरे जो फॉर्मर पार्टनर होते थे एपिफनी में, साउथ, ही कॉन्ट्रीब्यूटेड द नेम एंड आई लव्ड इट, आई फेल इन लव विद इट बिकॉज इट्स नॉट अबाउट ब्रेकिंग द बैरियर एनी मोर, इट्स अबाउट स्मैशिंग इट एंड टू थिंग्स, राइट। सो एक तो स्मैशिंग द ग्लास बैरियर, दैट्स वन, एंड द अदर वन इज ऑफकोर्स बिकॉज वन यू आर रियली डूइंग फिनॉमिनली वेल, सो एक यू नो यू से यू आर स्मैशिंग इट, राइट, ये एक टैग लाइन कहते हैं। सो ऑफकोर्स ये जो सारी की सारी खवातीन जिस भी फील्ड से बिलोंग करती हैं, ऑल ऑफ देम आर ट्रूली स्मैश it and while managing you know their personal lives, bache, families, sab kuch karti hain aur saath mein they're pursuing successful careers. Some of them are famous, shayad aap unko pehle se jante honge aur kuch aisi hongi jo ki yakeenan aap nahi jante honge. So ye jo program ka objective tha, that was also to highlight aisi role models jo ki bahut acche kaam kar rahi hain lekin shayad un pe abhi tak limelight nahi aayi ya shayad wo abhi tak public eye ke andar itni zyada you know visible nahi hai. So the idea is to be able to brand them as well and also learn from them, क्योंकि हमें ये लगता है कि दोनों तरफ, चाहे आप फेमस वुमन रोल मॉडल हो या आप इतनी फेमस नहीं हो, दोनों ने बहुत ज्यादा चैलेंजेस फेस किए होते हैं इन ऑर्डर टू रीच दैट पर्टिकुलर स्टेप इन देयर जर्नी। और दूसरी तरफ हमें ये भी मालूम है कि बहुत सारी ऐसी फील्ड्स हैं जिसके अंदर खवातीन बिल्कुल भी सामने नहीं आई हैं, क्योंकि जनरली पाकिस्तान के अंदर काफ़ी ज़्यादा लिमिटेशंस हैं, सर्टेन करियर्स हैं जो कि कहे जाते हैं कि अच्छा हाँ ये ज़्यादा आसान है फॉर वुमेन टू परसू। तो हम डिफरेंट फील्ड से भी ख़वातीन को लेके आते हैं ताकि आपको पता चले कि कितनी डिवर्सिटी है, कितना ज़्यादा टैलेंट मौजूद है, और अगर आप भी कोई यूनिक कोई डिफरेंट फील्ड को परसू करना चाहती हैं तो कैसी ऐसी स्ट्रैटेजीज आप अडॉप्ट कर सकती हैं कि ये मुमकिन हो सके। तो आज भी मेरी जो गेस्ट है बहुत स्पेशल है, उनका नाम नीलोफर है एंड विदाउट मच अडू आई एम गोइंग टू वेलकम हर टू द स्क्रीन राइट नाउ। एंड नीलोफर इज वेरी स्पेशल बिकॉज नीलोफर इज डूइंग समथिंग इन फैसिलिटी मैनेजमेंट, जो कि बहुत ही यू नो एक ऐसी फील्ड है जो कि ज्यादा खवातीन, पाकिस्तानी खवातीन परसू नहीं करती बल्कि इंटरनेशनली एज वेल। और ये हम जरा उनसे पूछते भी हैं कि आखिर कितनी खवातीन इनके करियर में मौजूद हैं। सो थैंक यू नीलोफर फॉर ज्वाइनिंग अस। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम समर, व्हाट अ प्लेजेंट इंट्रोडक्शन। आई मीन आई नेवर इवन थॉट ऑल दीस गुड थिंग्स अबाउट माय सेल्फ, बट थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी बोर्ड, एंड स्पेशली ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर, यू नो द मोस्ट फेमस टाइम ऑफ द ईयर व्हेन स्प्रिंग इज अबाउट टू स्टार्ट एंड वी सेलिब्रेट Women's Day. Every day is Women's Day, and every you know every year we celebrate women all across the globe because we share the equal better half of this world. Facility management. Wow, what a subject! When I heard about that for the first time in my life, I was like, "Facility management? क्या होता है? मुझे भी बिल्कुल idea नहीं था." Honestly speaking, I'll give you a little bit of my background, and I belong to the development sector. I did my master's in human resource management. I started my journey being in media and public affairs, working for diplomatic missions and embassies, and then I flew towards the donor community of our nation, where we were working hand in hand with a lot of local NGOs and local development sector organizations. And our concept was that we work for the people's better and their development. That's when I worked very closely with people. I'm a very human you know oriented person, और मुझे ये फील हुआ कि हमारे मुल्क में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे क्लिनलीनेस हो गई, सफाई है, मेंटेनेंस है, एक लाइफ स्टाइल है, उन चीज़ों का ख्याल नहीं रखा जाता, लोगों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है अपनी हाइजीन मेंटेन करना और पब्लिक स्पेसेस को क्लीन अप रखना और एक सर्टन वे ऑफ लाइफ स्टाइल में ज़िंदगी गुजारना, क्योंकि मेरा बाहर भी ब्रॉड बहुत ज़्यादा आना जाना रहा, तो मैं बहुत इंप्रेस होती थी जब मैं मुख्तलिफ मुल्कों में जाती थी और मैं जाके देखती थी कि उनकी सड़कें बिल्कुल साफ़ हैं, कोई भी कूड़ा डस्टबिन के बगैर नहीं फेंक रहा, उनकी बिल्डिंग्स के अंदर सब कुछ बिल्कुल ऑर्गेनाइज्ड है, दे मैनेज देयर वेस्ट वेरी प्रॉपरली, दे हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ यू नो बैग्स फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ वेस्ट, एंड दे प्रोटेक्ट देयर नेशन बिकॉज दे वॉन्ट टू सेव द प्लैनेट। When I used to come back on the airport to the airport, and Pakistan में आती थी, मैं कहती थी हमारे मुल्क में अवेयरनेस क्यों नहीं है। Long story short,
I got an opportunity and I started exploring this area while I was still working for development sector, and I thought I need to pick up this subject. और इसका जो दूसरा रुख है वो ये होगा कि इसके थ्रू हम लोग जॉब्स क्रिएट करेंगे. सो वी स्टार्टेड आवर फर्स्ट फैसिलिटी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट इन इस्लामाबाद विद वन ऑफ द डिप्लोमेटिक मिशंस एंड एम्बेसीज. और वहाँ हमें ये मौका मिला कि मेरे पास जब लोगों ने आके इंटरेक्ट करना शुरू किया तो मुझे पता चला यहाँ पे इतने लोग जॉबलेस हैं, और जॉबलेस होने के साथ साथ उनके पास एक्सपर्टीज और स्किल्स भी नहीं है. पीपल डोंट नो, उनको ये नहीं पता कि हमने सफाई कैसे करनी है, उनको ये नहीं पता कि अगर वो इलेक्ट्रीशियन है तो उनके पास क्या स्किल सेट या डिप्लोमाज होने चाहिए, अगर डिप्लोमा है तो उन्होंने कोई उसके लिए प्रैक्टिस नहीं की भी क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला कहीं नौकरी का. तो दोनों एंड्स एक तरीके से हम लोग देख रहे थे, एक तरफ लोगों के लिए जॉब्स क्रिएट हो रही थी और एक तरफ हमारी मुख्तलिफ को वर्किंग स्पेसेस फैसिलिटीज मैनेज हो रही थी, पब्लिक स्पेसेस वर बीइंग मैनेज्ड. सो वी गॉट अ वेरी वार्म वेलकम. You know, I'm the first female who started this in Pakistan as a subject, and bahut support mili. Honestly speaking, kehte hain ki I'm not going to play my victim card over here. Mujhe itni support mili, and I think we women have that aesthetic sense, jisme we want to beautify the places, we want to beautify the spaces. To maine wo jo apni aesthetics thi wo sari isme involve kar li. Aur there was a time जिसमें हमारे बोर्ड पे हमारी एचआर मैनेजर से लेके ऑपरेशन मैनेजर्स तक एंड इवन सेल्स मैनेजर, इवन हमारी जो वर्कर, वी वर ऑलमोस्ट 70% वुमेन वर्कफोर्स. एंड देन वी वर लाइक ओके, वी नीड टू हैव सम काइंड ऑफ जेंडर बैलेंस हियर. Yeah, no, that's very true, by the way, because agar main bhi notice karun, toh the first few hires that I did were all women. The first hire was a woman, the second one was a woman. Then we hired a guy, we said, oh, you know, we're also giving the opposite gender a chance to succeed at Epiphany. So I think ye bhi true aur abhi tak, jahan pe bhi mujhe koi bhi mauka mile to involve a woman, I like to do that, right? And I think it's very important ये जो uplift करना है ना, हमने एक दूसरे की help करनी है, promote करना है, support करना है. और जो चीज़ें नहीं आती हैं, part of it is because exposure कम है, right? So जब भी मैं सुनती हूँ ना, ओ ज़रूर लड़की drive करी होगी, गलत drive करी है, हाँ तो ठीक है ना, वो 18 years पे अगर driving license लेती भी है, उससे पहले तो उसने नहीं चलाई होती गाड़ी, फिर उसको मौका कितना मिलता है चलाने का, राइट? सो प्रैक्टिस नहीं होती उसकी. तो जब भी कोई कहते हैं ना, हाँ वो लड़की है, हाँ वो तो अच्छा नहीं चलाती, एंड जस्ट लाइक हाँ ठीक है, उसके पास कम एक्सपीरियंस होगा गाड़ी चलाने का. सोशल टैबूज भी तो है ना, और हमारे सोशल सिनेरियोस भी ऐसे हैं, यानी कि अगर आपका लड़का रात के 11 बजे बाइक पे जा रहा है, घर वालों को इतनी फिक्र नहीं होगी, लेकिन अगर लड़की रात के 11 बजे कहीं किसी काम के लिए जा रही है तो डेफिनेटली पेरेंट को, क्योंकि मगरिब के बाद अपने घर से नहीं बाहर जाना. यू नो देयर आर प्रोज एंड कॉन्स टू दैट टू, बट आई फेल्ट दैट माय फैमिली वाज वेरी वेरी सपोर्टिव. यू नो वी आर फ्रॉम अ वेरी एजुकेशनल, you know, my most of my khalas and my mom and everybody was into journalism and literature and a teaching profession. So us zamane mein medical ya to doctor bante the ya teachers bante the. जी जी. So they were all. नहीं doctors, अच्छा engineers तो लड़कों के लिए ज़्यादा था. Engineers लड़कों के लिए थे, and I wanted to be an engineer. So I did my pre-engineering, that was my major subject. But when I got my admission in architecture in Lahore, NCA, and I also got one in UAT Lahore. So my mother was like, ओहो, अब हम इसको यूएटी लाहौर भेजें तो 7 साल के लिए भूल जाए, हमने तो लड़कियों की शादियां करनी होती है 18 साल की उम्र में. तो दैट वाज द थिंग, एंड देन दे वर लाइक, नहीं आप ग्रेजुएशन कर लें क्योंकि हम आपको दूसरे शहर नहीं भेजेंगे, दिस इज द सिचुएशन. खैर एनीवे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट लेट 90s ओवर हियर. आई विद अ वेरी हैवी हार्ट डिड माय ग्रेजुएशन. आई वाज नॉट वेरी अप फॉर इट, बट इवेंचुअली आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी वेयर आई जस्ट, my first job was in development sector, so I started delivering. Lekin mere andar wo architecture and interior design and that thing was all that, those germs were there. So I did my corporate, you know, and donor community work for almost 12 years, and as soon as I got an opportunity and when I heard about facility management, maine koi mauka jaane nahi diya, and I started this business. Interestingly, Samar, which I would really want to tell over here, ki kabhi kabhi aapko nahi pata hota what destiny holds for you. When I started this business, I was already working for one of the largest telecom companies, and I was working as their PMO at that time. Perfect job, five days a week. Friday, aapka 5 baje off ho gaya, chilled scenario, koi wo nahi. But then, while I was there, I knew that I had that entrepreneurial germs in me. Lekin mere paas itne funds nahi the to start a business, and I was like very scared ki main Pakistan mein ye business start kaise karungi. Business ke liye to aapke paas bahut zyada paisa hona chahiye, bank balance hona chahiye, and we belong to a middle class family background. My father was an engineer, my mother was like a, you know, homemaker, and I was like ki kaise hoga.
believe it or not, I started my business, I think from the first salary, I spent about 30,000 rupees. और मैंने business start किया, मैंने एक website बनाई, SECP से उस business को register कराया, took the help of my social friends, जो मेरे साथ लोग थे, colleagues थे, उनकी help से. But जब जैसे ही कुछ शुरू किया काम, to started getting such a good response, and then I loved it so much, and I finally put in my resignation in the second month of my business, start of my business, and I was like, I'm so sorry, I can't be unfair, and I have to put my heart and soul in this. And usi scenario mein main ye kahungi ki hamari jo ladkiyan hain, I'm also the president of Islamabad Women Chamber, some we were talking about it yesterday, maine aap se share kiya tha, aur kafi platforms pe ja ke mujhe baat karne ka mauka milta hai. To World Bank is doing a project on gender equality. Similarly, State Bank of Pakistan is developing a gender policy in and us policy ke liye unhone women chamber ko involve kiya. Unhone kaha aap bataye ki kya aise challenges hain jo aurte face karti hain. To maine kaha sabse bada jo challenge hai jo aurte face karti hain, first of all, they're not aware ki hamare local laws kya hain when it comes to setting up a business. SECP incorporation honi chahiye, private limited company hoti hai, sole proprietorship honi chahiye. Secondly, बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करना है. थर्डली, आपको अपना एनटीएन टैक्स आइडेंटिटी नंबर कैसे लेना, और उसके बाद आप हाउ डू यू बिकम अ टैक्स पेयर इन द बिजनेस, एंड हाउ डू यू गो थ्रू द डोर्स ऑफ द ब्यूरोक्रेसी एंड यू मेक श्योर कि आप सस्टेन कर रहे हैं अपने बिजनेस को. तो ये कुछ चैलेंजेस हमारी औरतें जब बिजनेस स्टार्ट करती हैं, चाहे वो ब्यूटिशन का हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग का हो, चाहे वो आर्किटेक्चर हो या इंटीरियर डिजाइन हो, या आप क्लोदिंग बिजनेस ले लें या हैंडीक्राफ्ट. Everybody has to understand the concept of start of a business. So for that, we are currently hosting many workshops, and we are making sure that women become part of the different chambers and platforms, and where they get educated. Even if you are, I mean, right now, summer, after, you know, the COVID, the most pandemic that all over this world everybody has seen, everybody stayed back at home, and we realized that everything is virtual now. Like even our interview today is virtual. Imagine, yes, otherwise absolutely. We would have been sitting in a studio giving this interview. That way, hamari auraton ko ye khayal aaya ki hum kyun na Amazon pe sell karna shuru kar dein, ya different jo platforms hai, daraz.com, there's so many platforms, aur uspe hamari. Sure. Lekin unko ye nahi pata tha ki back end pe sourcing kahan se hogi, procurement kaise hogi. So I was talking to Voice of America. We were having a panel discussion about this, and we suggested ki us waqt hamari auratein jab business start kar rahi thi, us waqt unko koi awareness nahi hoti, chahe wo virtual hai, chahe wo e-commerce hai, chahe wo physical hai, chahe aapne koi relationship building karni hai, aapne koi dukaan jaake rent pe leni hai, koi background nahi pata, aur fir hame support system bhi nahi diya jata ki humne ye sab kaise karna hai. Similarly, banking institutions, अगर आप एक खातून है तो आपकी क्रेडिबिलिटी वहीं पे 50% डाउन. बिल्कुल बिल्कुल, यस. Not to mention the access to finance gap, right? So last year का मैं देख रही थी, more than 50 deals अगर हुई हैं, so there are only 6 where women were co-founders in the companies, right? So 6 out of 50 plus is not a good number. Absolutely. Right? So uske upar bilkul aap theek keh rahe ho, and there are everybody, a lot of us are actually trying to put in an effort. Ek investment related boot camp humne abhi January mein run kiya hai. So each time women blow me away, right? Because jo unki energy hoti hai inside in any of these training programs, they really put their heart and soul into what they're trying to do, right? And jab koi opportunity bhi milti hai, a lot of times you actually see them utilizing that opportunity to the maximum benefit, right? जो कि यू नो, अगर मैं कहीं पे भी बैठी हुई हूँ, द फर्स्ट लोन दैट आई वुड गिव आउट टू अ वुमन, बिकॉज जितनी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी से, जिम्मेदारी से वापस करेंगी, यू नो, शी इज गोइंग टू बी प्रोबेबली द बेस्ट लोन बोरोअर, जो कि हम बार बार देखते भी हैं माइक्रो फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी, नॉर्मल बैंकिंग, कोई भी कमर्शियल बैंकिंग सेक्टर के अंदर भी, व्हेनेवर यू आर लेंडिंग, वुमेन ऑलवेज रिटर्न इट बैक, राइट? सो जो ये है ना कि investing in women, jo abhi tak baat samajh nahi aati hai kafi sare logon ko, I think, you know, that just needs to be something which everybody needs to internalize now, right? Acha, workforce ki jab hum baat karte hain, jab hum dekhte hain ki wo jab bhi aapke paas women senior decision making positions mein aati hain, business does better, right? When you involve more women, there's just this fresh perspective that they bring to the table. So, you know, how is it possible ki do genders hain, dono equally intelligent hain, और आप एक को एक्सक्लूड करो, तो ऑब्वियसली मिक्स खराब हो गया. सो यू नो, मच अप्रिशिएटेड ऑल द एफर्ट्स दैट यू आर डूइंग, एंड स्पेशली जो आप वुमेन एंटरप्रेन्योर के चैलेंजेस बता रही थी, बिकॉज दैट्स वन ऑफ द क्वेश्चंस, कि आपके केस में क्या क्लियर चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए, एंड आपने कैसे उनको ओवरकम किया.
और समर, यू नो, मुझे लगता है कि पिछले 12 साल में, सिंस आई स्टार्टेड नोहा द कंपनी दैट वी रन, हर तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स को हैंडल किया और हर तरह का काम आया. देर वर मोमेंट्स, काम भी मेरिट पे मिला. कंपनी की क्रेडिबिलिटी है इंडस्ट्री में, दैट ऑफ कोर्स दीज पीपल आर गोइंग टू, वट एवर दे विल से दे विल डिलीवर. दिस इज व्हाई वी स्टेड इन द इंडस्ट्री. वी आर ऑल्सो दी लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट सप्लाई चेन पार्टनर्स फॉर यूनाइटेड नेशंस, UNGM. तो जब भी कोई डिजास्टर होता है, जब भी कोई अर्थक्वेक होता है, जब भी कोई वॉर फ्लंग एरियाज हैं या कहीं पे पानी की कमी हो जाती है, तो हमारी कंपनी इज वन ऑफ दी मेन स्ट्रीम कंपनीज हु वुड सप्लाई प्रोडक्ट्स लाइक स्वेटर्स, विंटर शील्ड्स, यू नो, हाइजीन किट्स, एनीथिंग विच इज लाइक फूड आइटम्स. रमजान आता है तो हम रमजान फूड पैकेजेस मेरी कंपनी जो है वो बनाती है. तो उसमें होता है कि दैट इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ कैश मैनेजमेंट. आई मीन, यू आर टॉकिंग अबाउट 300,000 रमजान फूड पैकेजेस, एंड इवन वन फूड पैकेज इज अबाउट 5,000 रुपए का है, जिसमें आटा, दालें, चावल सब चीजें हैं. बाय द वे, रमजान इज कमिंग, सो अगेन वी आर गोइंग टू बी डूइंग दैट. तो अगेन यू कैन सी द क्वांटम ऑफ बिजनेस. अच्छा, देन व्हाट हैपेंस इज देन यू गो एंड talk to private investors, and then you talk to private equity firms, and then you talk about VC firms and things like that. And I face all the challenges. Like, people would come to me, okay, fine, we can invest 10% over here, but we want to get a profitability higher because you're a woman and you're running the show. So what if you were unable to deliver? Similarly, when I went to the banks and asked for running finance facility, I faced major challenges. Our team faced major challenges. अच्छा जी, अब आप अपनी properties pledge कराएं. मैंने कहा, अगर इतनी ज़्यादा properties होती तो हमें आपके पास तो आने की ज़रूरत ही नहीं अच्छा, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट एक बात की है, ठीक है, क्योंकि काफी दफा जब यू नो इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज भी हैं या ग्रांट्स की भी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, प्रोजेक्ट्स की भी, द काइंड ऑफ लिमिटेशंस दैट आर देयर, एक छोटा ऑन्टरप्रनर और एन ऑन टॉप ऑफ इट वुमेन ऑन्टरप्रनर के लिए बड़ा मुश्किल होता है टू मीट दोज रिक्वायरमेंट्स. अगर इफ आई एम ऑलरेडी अर्निंग 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज ऑन अ ईयरली बेसिस, ऑन एन एनुअल बेसिस, मुझे क्यों चाहिए आपका कैपिटल? मुझे नहीं चाहिए आपका कैपिटल, राइट? मोस्ट प्रोबेबली आई एम ओके, आई एम, यू नो, माई कंपनी इज गॉट 4 लाख से प्लस वो पर मंथ उसका रेवेन्यू है. वाई डू आई नीड योर मनी एंड पार्ट विद माई इक्विटी? सो आई थिंक देर इज ऑल्सो दैट, यू नो, दैट दैट फ्रेम, दैट लेंस लेंस जो है ना, वो देखते नहीं है उधर से कि वुमेन ऑन्टरप्रनर को चाहिए क्या और कौन सी वाली को क्या जरूरत है, राइट? सो आई थिंक, आई मीन, इफ इट्स अ लॉट ऑफ कैपिटल बट द कैपिटल इज रिक्वायर्ड फॉर इक्विपमेंट, so that means ke equipment hai, equipment return ho jayegi, even if the business doesn't work out, the equipment can be returned to the investor, asset, right? So I mean, you have to look at each opportunity differently, I think. But anyway, while you're on this topic, carry on. Aur phir hame ye bhi bataye ki then you ended up with Karandaz, right? Entrepreneur of the year, ye kya tha wo award, wo bhi bataye. You read my mind, you read my mind. I wanted to bring them over here. Karandaz, a game changer. And I always your voice. Hello, suddenly we've lost you, Nilu. Yeah, I think. Okay, now you're back. That's because good. Things have started getting operational in Pakistan, and I'm currently in Houston right now. So people are don't understand that I'm on an interview at the moment. Oh, call aa rahi thi. Acha, theek hai. No worries. So Karandaz, I think the woman entrepreneurship challenge that Karandaz started a few years ago, that has changed life for many women, and I am one of them. We were the direct affectees when this project happened. When this project, I was traveling at that time, and I read through it online. I was in the plane and I read through it, and I was like, I don't think I'm gonna get it. ये किसी को नहीं, ये थोड़ी ऐसे मिलेगा. But anyways, I was like, let me send my write up. When I sent my write up and I told them that we do facility management, they were like, amazing. And then we recruit women, and then we recruit youth, and हम लोग blue collar workforce से deal कर रहे हैं. मेरे batch में, I think we were final 16 candidates out of the entire lot of how many applications that they had received, and we had women from jewelry makers to the सिरामिक इंडस्ट्री एज वेल एज मुझे अभी भी याद है वो आटे की फैक्ट्री वाली हमारी एक आंटी द वन फ्रॉम चार सरदा शी हैड ऑल्सो पिस्टल एंड शी ऑल्सो गॉट सपोर्ट सिस्टम लेकिन थैंक्स टू करंदाज एंड थैंक्स टू देयर सपोर्ट दैट दे डिड द एसेट बेस्ड लोन दैट दे हैड गिवन टू अस दैट रियली चेंज्ड अ लॉट ऑफ सिनेरियोस फॉर माई बिजनेस एंड वी हैव एक्सपेंडेड सो क्योंकि इन्वेस्टमेंट रिलेटेड चीजें ना बहुत दफा आती है, देयर टन्स एंड टन्स ऑफ क्वेश्चंस दैट कम अप अगेन एंड अगेन. अच्छा, बाय द वे, साइड नोट, आई यूज्ड टू वर्क फॉर कारंदाज,
इट्स वेरी इंटरेस्टिंग. हाँ तो ये थोड़ा सा आप बता दो, यू नो, फॉर आवर ऑडियंस, कि जब आपने लेना था, व्हाट वाज इट दैट यू नीडेड दिस मनी फॉर? ये कैपिटल चाहिए किस चीज के लिए था? एंड देन वर यू एबल टू सक्सेसफुली डिप्लॉय इट? व्हाट एडिशनल थिंग्स? बिकॉज आई नो कि कारंदाज बहुत सारी एडिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, जो मे बी लोगों को सिर्फ लोन और मनी नजर आते हैं, बट बाकी सारा सपोर्ट शायद इतना वो गौर से अटेंशन नहीं पे करती. तो इफ यू कैन टेल अस अबाउट दैट ऑल्सो. जब नोहा स्टार्ट की थी ना, तो हम सबसे पहले ऑपरेशंस में इन्वॉल्व हो गए थे, बिकॉज हमें सबसे पहले मेक श्योर ये करना था कि कंपनी के ऑपरेशन रन सही हो रहे, ताकि रेवेन्यूज आने शुरू हो जाए. वी नेवर लुक्ड एट द टेक्निकल एस्पेक्ट. हमारी कंपनी में सॉफ्टवेयर यूज नहीं हो रहा था, ईआरपी नहीं था, हम लोगों के एच हमारी पॉलिसीज वर नॉट इन प्लेस. हमने काम शुरू कर दिया था, बट अगेन एज आई सेड, आई वाज लाइक एनी अदर कॉमन एंटरप्रेन्योर, मुझे पता नहीं था कि पॉलिसीज कैसे डेवलप होंगी. प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, एचआर पॉलिसी, आपकी यू नो ऑपरेशनल मेथड्स क्या होने चाहिए, व्हाट आर द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स दैट वर्ल्ड वाइड आर बीइंग फॉलोड. सो बिकॉज ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस दैट दे प्रोवाइडेड टू अस, दे गेव मी एंड माय टीम दैट एंटायर ट्रेनिंग्स, सीरीज ऑफ ट्रेनिंग्स, एंड देन जो उनके ऑडिट कंप्लायंसेज हैं, दे मेड अस पिक्चर परफेक्ट. SECP की कंप्लायंसेज हम नहीं भी करें तो वो हमसे कराते हैं. बहुत सी ऐसी चीजें. एंड वाज दिस अ लोन और इज दिस अ ग्रांट, नीलोफर? सो दिस इज अ लोन, प्राइवेट ठीक है. एक्विटी. एंड दिस इज अ कितने लोन. अरसे में रिटर्न बैक करना सो है? इट्स अबाउट 3 years, एंड वी आर ऑलमोस्ट इन द लास्ट ईयर. एंड एक्सीलेंट. ओके. एंड व्हाट हैव यू बीन एबल टू, हाउ हैव यू यूटिलाइज्ड द लोन? यू नो, पहले जो नोहा थी और आज नोहा आफ्टर दिस इंजेक्शन ऑफ कैपिटल, व्हाट हैव यू बीन एबल टू डू विद दिस? So we could brand ourselves properly. Hamari marketing, branding strategy, our placement, our website, our ERP is in place. We have started calculating hamari finance, hamari HR ki complete deployment. We got our workers certified internationally. We had our trainers certified internationally. The whole game has changed altogether. मतलब अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ कि मेरे पास 300 लोगों की वर्कफोर्स थी और उनमें से 10 लोग अगर डिप्लॉयड हैं एक सर्टेन मॉल को क्लीन अप करने में, तो अब हम वही काम 7 लोगों से करा रहे हैं, बिकॉज वी स्टार्टेड कैलकुलेटिंग टाइम. आई मीन वी डिड नॉट हैव द एक्सपोजर एंड द अवेयरनेस, एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग वी कुड नॉट अफोर्ड टू हायर कंसल्टिंग सर्विसेज ऑफ वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस लाइक मीडिया, सोशल मीडिया ब्लॉगर्स, एंड रन अ कैंपेन वेर वी कुड एक्चुअली प्रेजेंट आवरसेल्व्स एंड टेल देम हु वी आर एंड व्हाट वी डू. बहुत सी चीजें होती है, क्योंकि एज अ बिजनेस वुमन हमें ये देखना होता है कि भाई आपकी जो तनख्वाहें हैं स्टाफ की, वो पहले को पे हो जाएं, आपके जो सप्लाईज हैं वो शॉर्ट ना हो, तो जो जो खूबसूरती वाला सलीके वाला काम है वो आता है, वो उसकी बारी नहीं आती. लाइक वी वर टॉकिंग अबाउट लाइक सेटिंग अप द लिंक्डइन प्रोफाइल, ऑफ कोर्स इट्स सो टैकी एट द मोमेंट, यू नो. या 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 नो नो देयर आर सो मेनी थिंग्स, बिकॉज़ एज अ एंड यू आर अ सोल प्रोप्राइटर, राइट? आप अपनी कंपनी में सोल प्रोप्राइटर? वी आर अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नाउ, अगेन प्राइवेट लिमिटेड. ओके, एक्सीलेंट. ठीक है, सो ऑब्वियसली जब तक नहीं होते, अगर पार्टनर्स भी नहीं है एंड यू आर लाइक द सोल वॉरियर, इट गेट्स वेरी ट्रिकी. या इवन अगर स्मॉल टीम होती है ना शुरू में, तो बहुत ज्यादा चैलेंजेस होते हैं कि आप ये सारे के सारे जो आप सिस्टम्स की बातें कर रही हो कि सब कुछ इनकॉर्पोरेट करना है, दैट बिकम्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट. बट लुक, लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट योर जर्नी एज वेल. ठीक है, कि सो जो क्वेश्चन है ना, आई मीन एंड इट मे यू हैव टू थिंक अबाउट इट आई गेस, कि जो प्रीवियस आपकी वर्जन थी ना, वर्जन 1.0 ऑफ नीलोफर, वट वॉज शी लाइक, हाउ वॉज शी डिफरेंट? एंड देन यू नो लेट्स टॉक अबाउट द पर्सन दैट यू आर टूडे एंड हाउ हैव यू इवॉल्व्ड. Evolved. I think there's a lot of poise. There's a lot of zindagi guzarne ka saleeka aa gaya. Very nicely phrased. Huh? Ye pata chal gaya hai zindagi mein. Ek to you know you're very naive, when especially hamari jo khawateen hai Pakistan mein, jo hame environment ek diya jata hai, hum logon ko bahut protected है, बहुत तहजीब के साथ हमें बड़ा किया गया है, और हमें जो है हमेशा ये सिखाया जाता है कि सच बोलना है, जो आगे है उन पर ट्रस्ट करना है. आई थिंक आई वॉज ऑल्सो वेरी नाइव व्हेन आई गॉट इनटू द कॉर्पोरेट इंडस्ट्री, एंड कॉर्पोरेट में तो यू आर ऑल्सो वेरी वेल पैम्पर्ड, क्योंकि आप एक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में काम करें, सो एवरीथिंग इज ऑल सेट फॉर यू, और आपको कोई इस तरह आपने कुछ चैलेंजेस फेस नहीं करने होते. जब मैं बिजनेस इंडस्ट्री में आई और यहाँ पर आके मुझे इंटरेक्शन करना पड़ा फैक्ट्रीज के साथ, मिल ओनर्स के साथ, सोर्सिंग में, प्रोक्योरमेंट में, मतलब आई हैव बीन टू जोड़िया बाजार इन कराची, आई हैव बीन टू ज़ैनब मार्केट इन सदर कराची, आई हैव बीन टू सब्जी मंडी इन आपकी जो रावलपिंडी, आई हैव बीन टू आपके पेशावर दरा,
आदमखेल, मतलब इन सब जगहों पे मैं जा चुकी हूँ सोर्सिंग के लिए और इन सब एक्टिविटीज के लिए. मुझे अभी भी याद है कि सप्लाईज करनी थी और सियालकोट में आई वाज गोइंग फ्रॉम डोर टू डोर बिकॉज वी हैड टू फाइंड दिस स्पेसिफिक शॉल, और उस शॉल के मुझे 2.5 लाख पीस चाहिए थे. और जो भी हमारे यहाँ क्योंकि सोर्सिंग इतनी अच्छी नहीं होती तो लोग दिखाते कुछ और सप्लाई कुछ और करते हैं, इसी वजह से चाइना हमसे बहुत आगे निकल गया है. लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अभी भी ईमानदार लोग इस मुल्क में हैं. सो एनीवेज, कुछ जगहों पे नुकसान उठाए, कुछ लोगों पे ट्रस्ट करके. फिर वर्कफोर्स की बात आती है अगेन, जब आप एचआर में डील कर रहे होते हैं तो आपको हर तरह के लोग मिलते हैं. एंड क्योंकि आप वर्कफोर्स डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं डिफरेंट साइट्स पर, तो वहां पे आपको डिफरेंट चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं. कस्टमर हर तरह के हैं, कस्टमर्स को कितना डील करना है, कस्टमर्स को खुश कैसे रखना है. श्योर, कस्टमर इज द किंग, बट व्हेन द कस्टमर इज द किंग इन पाकिस्तान देन दैट इज अ चैलेंज बिकॉज़ द कस्टमर डज नॉट नो व्हाट दे एक्चुअली वांट. सो दे डोंट नो हाउ टू ड्रॉ देयर लाइंस ऑन व्हाट दे कैन आस्क फॉर एंड व्हाट दे शुड नॉट आस्क फॉर. एनीवेज, वी वर लकी दैट वी आल्सो हैड वेरी एजुकेटेड कस्टमर्स एंड एट द सेम टाइम वी आल्सो हैड वेरी चैलेंजिंग कस्टमर्स. एंड देन वी वर सिंस वर्किंग इन डिफरेंट ज्योग्राफिकल locations like Karachi has a very different mindset. Karachi ki workforce bahut different hai. Strike kar di to aapka sara jo hai na dihadiyan gayi. Aapki Lahore ki workforce bilkul different hai. Islamabad very laid back. We deal with metro contracts. We deal with you know laid back se mujhe yaad aaya. I remember still distinctly. My sister got her nikah done. ठीक है, और इस्लामाबाद में उसने अपने ऑफिस में स्वीट्स बांटनी थी, मिठाइयाँ बांटनी थी. अच्छा, मैं उस टाइम पे कराची में रहती थी. कराची का आपको पता है कैसे स्पीड इज, यू नो, इट्स लाइक एवरीथिंग इज सो फास्ट पेस्ड. सो दिस गाय वाज टेकिंग फॉरएवर अपने डब्बे रैप करके. फिर मैंने उसको बहुत ही काइंडली कहा, बहुत ही जेंटली मैंने उसको कहा, मैंने कहा आप माइंड करेंगे आप मुझे टेप काट के देते, मैं पैक कर देती हूँ. बिकॉज वी हैड टू पैक लाइक 100 बॉक्सेस और समथिंग लाइक दैट. ठीक है, एंड देन आई जस्ट डिड इट फटाफट. ठीक है, और जब भी कोई मुझे कहते ना कि इस्लामाबाद बहुत लेट पैक है, आई ऑलवेज रिमेंबर दैट वन एनेक्डोट व्हेन यू नो इट्स हिलेरियस. कि आई एम स्टैंडिंग देयर एज अ कस्टमर एंड आई वाज लाइक आप माइंड तो नहीं करेंगे, आप मुझे टेप काट दें, मैं बना देती. एजुकेटेड नहीं है, टेक्निकली बहुत स्किल्ड होंगे बट एजुकेटेड इतने नहीं है शायद, यू नो, एथिक्स इतनी नहीं पता. कि काफी दफा ये भी होता है ना कि वो जाते हैं छुट्टियों पे, फिर वापस टाइम पे नहीं आते, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. फिर डीलिंग विद अ वुमन, राइट, कि आप एक वुमन बॉस हैं, उनको रिपोर्ट करना है, तो डिफरेंट चैलेंजेस आपने इस तरह के भी फेस किए होंगे, बट ओवरकम कैसे किए? Right. How did you overcome then? Okay, first of all, जो है ना, क्योंकि मैं जो workforce से deal कर रही हूँ उसमें blue collar and white collar दोनों हैं. Blue collar में then we also have transgenders, we also have this, we also have youth. Youth हमारा ऐसा है कि बस वो 21 साल के लड़के हैं, उनको घर से तो निकल गए काम करने के लिए, लेकिन because of TikTok and the media and everything, वो साइड पे साथ साथ सफाई भी हो रही, साथ साथ TikTok videos भी बन रही. उनको बहुत आपको बहुत तरीके से हैंडल करना पड़ता है. एंड यू हैव टू रियली, HR is a very, very challenging area, specifically, especially in our country, because as you said, कि अगर Christmas है तो Christmas के आगे पीछे 2 हफ्ते की छुट्टियां हैं, अगर ईद है, त्यौहार है, तो everybody wants to go on a holiday. So yes, there were a lot of challenges, but I think honestly, जो मुझे exposure रहा है वो international भी रहा है, and then we started optimizing workforce solutions and we started optimizing international methods and customized them to the needs in Pakistan. We are the only Pakistani company that is registered with International Facility Management Association and we're also the members of ISA. So we started implementing their model. ISA, what's ISA? ISA is headquartered in Chicago and ISA is one of the largest janitorial services body which trains. One of the largest. Similarly, यानी कि आपको जो है अपनी वर्कफोर्स को ओरिएंटेड भी करना है और आपके अपने कस्टमर को भी ओरिएंटेड करना है, क्योंकि कस्टमर ने भी जब RFP डेवलप करना है फैसिलिटी मैनेजमेंट का, इंटरनेशनली कट बेस्ट कर देना है. जो बेल्जियम का टेंडर है, बेल्जियम के तरीकों को फॉलो करेंगे अगर आप पाकिस्तान में, तो दैट विल नॉट हैपन. सो वी हैव स्टार्टेड, यू नो, ओरिएंटेटिंग इन आवर कस्टमर ऑल्सो. एंड देन सेकेंडली व्हाट हैपेंड जब ये कोविड आया, कोविड में मेजर बिजनेसेस जो हैं वो आपको पता है कि शट डाउन हुए हैं, बहुत से बिजनेसेस हैव लॉस्ट देयर पीएनएल एंड दे वेंट थ्रू लॉसेस.
Noha was one of the businesses because we were always involved in public hygiene, janitorial services, disinfection and sanitization. This was our core job in any case. So we turned the tables around. हमें ये कस्टमर की तरफ से आया कि जी हाँ ठीक है आपकी जो वर्कफोर्स है उनको ले ऑफ कर देते हैं बिकॉज कस्टमर को तो कोई चाहता ही नहीं था कि कोई वर्कफोर्स उनके ऑफिस में आए बिकॉज ऑफ द कोविड सिचुएशन एंड वी टोटली टर्न द टेबल्स वी स्टार्टेड जिस कस्टमर जो भी वर्कफोर्स को ले ऑफ कर रहा था उस वर्कफोर्स को हमने डिसइंफेक्शन सैनिटाइजेशन की कैंपेन रन करना शुरू कर दी सो वी स्टार्टेड डूइंग जो जो कोविड अफेक्टेड एरियाज हैं उन एरियाज में स्पेसिफिक सैनिटाइजेशन हम इंटरनेशनली केमिकल्स लेकर आए ऐसे केमिकल्स जिनसे जिनकी जो यानी कि केमिस्ट्री है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है केमिकल जो उसकी वेरिएशन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है दैट दैट कुड इमीडिएटली इंपैक्ट एंड यू दैट प्लेस इज टोटली कंप्लीटली वायरस फ्री तो अब हम लोगों ने जो है व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ एट दिस पॉइंट इन टाइम हम लोग एक ऐसा प्रपोजल डेवलप कर रहे हैं जिसमें हम ऐसी बिल्डिंग्स को पाकिस्तान में जो हमारी गवर्नमेंट की बिल्डिंग्स हैं आर्कियोलॉजिकल हमारी साइट्स हैं हिस्टोरिकल साइट्स हैं हमारे हॉस्पिटल्स हैं co-working spaces हैं उनको हम इस तरीके से customize करें कि एक तो human interaction between people should be there should be you know space always there then आपकी building should be LEED and green certified buildings ताकि minimal waste हो आपकी there should be air purifiers in those buildings there should be some kind of control on humidity ताकि आपका जो वायरल कंट्रोल है वो मिनिमम हो जाए सो वी हैव पार्टनर्ड विद इंटरनेशनल आर्किटेक्चरल फर्म्स वी आर वर्किंग विद अ फर्म हियर इन यूएसए दैट वी हैव पार्टनर्ड विद देन वी आर आल्सो वर्किंग विद अ फर्म इन लंदन एंड देयर इज वन इन बहरीन एंड देन सऊदी अरेबिया एंड देन यू नो वी हैव लोकल फर्म्स व्हिच आर बेस्ड आउट ऑफ लाहौर एंड कराची सो वी आर ऑल स्टार्टिंग अ कैंपेन टुगेदर वेयर वी हैव वी आर ब्रिंगिंग ऑल दीस आर्किटेक्ट्स एंड कंस्ट्रक्शन कंपनीज ऑन बोर्ड एंड देन आवर फैसिलिटी मैनेजमेंट company is going to work hand in hand with them in introducing the right chemicals and the right spaces and the quality control on the air so this is what we are doing at the moment Samar very good thank you so much Nilofer and I think this sounds fantastic I'm so glad ki is area ke andar dekho kitni thoughtful tarike se aap isko future mein bhi leke ja rahi ho na green introducing green and certified LEED certified buildings everything that you're trying to do so highly impressive acha lekin ye batao ki obviously jo journey hai you had mentioned a little bit ke bahut zyada support mila family se bhi mila aur external parties se mila theek hai to aapki life mein particularly kya role tha kaun wo advisors the mentors the supporters the kaun log the aise jinhone support kiya and especially because aapki field specialized field hai jisme women specially nahi thi to kis tarah were you able to find some mentors in the form of male allies maybe So okay, that is. Thank you for asking this question. That is very close to my heart. I think the biggest supporter that I would say has always been my mother, who even at a very young age, when I was like, when I was 16, that's when I started working. She was the one who really supported me, and she pushed me to make a difference. और मैंने बहुत सी चीज़ें जो ज़िंदगी में सीखी और परसिस्टेंस के साथ की वो उन्हीं को लाइफस्टाइल को देखते हुए जो चैलेंजेस उन्होंने फेस किए बिकॉज़ शी वाज़ अ सिंगल मॉम व्हेन शी रेज्ड अस एंड सो यू नो आई सॉ व्हाट शी वेंट थ्रू एट अ वेरी अर्ली एज व्हेन शी रेज्ड फोर चिल्ड्रन व्हिच इंक्लूड्स एंड आई वाज़ द ओल्डेस्ट इन द फैमिली सो आई सॉ हाउ शी रेज्ड अस देन एज व्हेन इट कम्स टू मेंटर्स I think I had a very supportive system of co-workers around me. The females who were working in my team, you know, I always protected them like a nest. But the meri jo is for key managers hain jo mere sath kaam kar rahi hain, they have been with me since inception, since the last 12 years, 10 years. That gives you an idea ke matlab kitna confidence level unka bhi boost up hua aur kis tarike se unhone kaam kiya. Ha, I went through certain challenges when it comes to my personal life. And I recently became a single mom about 2 years ago, and with two little children. So I faced a lot of challenges where I saw and I realized how our certain class and creed of men in the industry behave differently. Because when you are married to a family
and you have people around you and that family background is there, then they act differently. But then automatically when they know that, okay, fine, she's a divorced person or she's not with anybody, how they change. And when again, when you get into a marriage again, and then they change automatically again. So I think this is one thing which will take for years to change. And I'm talking about a lot of people that I know who apparently are from very good educational background and family background and then who's who of the society. But I noticed and figured it out that everything is quite materialistic. And I even heard a lot of statements where they would say ki ha auraton ko to bahar nikalne nahi dena chahiye ghar se, kyunki jab ye ghar se nikalti hain to phir inko par lag jate hain aur phir uske baad ye divorce mang leti hain aur phir inko apni independence chahiye hoti, inko ghar mein hi band rakh kar ke rakhna chahiye. So these were the statements which I heard and I was like, oh my god, you know, this is the vision that you are coming with, you also have your own daughters, so how do you perceive? And you're running educational institutions and you're running hospitals and you're running clinics. What is the mindset that you're working with? You travel all over the world, you're studying from Cambridge and you're studying from Harvard, and this is what you're bringing back. You know, that's the thing. So one of the things which I've realized is that education, as in university education, international education, usse itna koi khas fark nahi pada, kyunki bahut sari cheeze hain jo unka part of their value system hai, internalize unhone kiya hua hai, is tarah ke logon ne, chahe men ho ya women ho. It's true for women as well. At times, a lot of times, the barriers that we sometimes face are from other women around us. Ke acha wo bachon ka khayal nahi karti, wo tum to time theek se manage nahi karti, ghar bhi tumhara aisa hota hai, you know, kya bas daud mein lagi hui ho, right? So I've heard of instances because obviously I talk to women, and women entrepreneurs isi wajah se bahut close to my heart hain, because at times all you need to do is be there for them, and all they need is somebody to listen to them, right? Moral support chahiye hota hai. That's all they need. Absolutely. Bottom line, ek jo strategy mujhe lagti hai bahut achhi, which I've implemented multiple times. Find people who are similar to you, jinhone aapki jaise similar choices life mein select kiye hue hain, ya similar unka, you know, ek path ja raha hai, journey ja rahi hai, unke saath aapki bahut strong community building honi chahiye, because they understand you. You don't have to explain yourself, and they have actually real advice for you which can benefit you. So, you know, I'm really glad that you've brought this up. I think har jagah pe it is very important for us, chahe wo work environment mein ho, ki hame bahut manage karna padta hai apne aap ko, the way we are, the way we are being perceived, you know, how we behave. So uske upar I've got another follow up question for you, ki ab jab aap sochti ho, and both men and women just generally, what sort of advice do you have for them? Kaise wo apne careers ko successfully navigate kare so that they can actually, you know, have very successful careers at the end of the day? You know, Samar, main isme cheez add karungi ke your partner plays a major role in your life. You know, we human beings are made such a way that men and women go hand in hand. They're like, you know, sleeves of a glove. If you have a good partner, and if you have a good when it comes to parents, they're supportive, to wo aapke liye bahut positive influence lekar aate hain. Lekin agar aap bahar ki duniya mein bahut zabardast achievements kar rahe hain, milestones ki kar rahe hain, lekin aapka jo partner hai, he's unhappy from you or she's unhappy from you, and at the same time your parents are not that supportive of you if you're not married, to aapki jo wo kya kehna chahiye, aapki wo jo स्किल सेट है वो वहीं पे खत्म होना शुरू हो जाती है, क्योंकि एट दिस पॉइंट इन टाइम, यू नो, जस्ट वेरी रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड, आई यूज्ड टू मेडिटेट एंड आई यूज्ड टू डू योगा, प्रैक्टिस योगा अ लॉट, बट वेरी रिसेंटली आई जॉइंड आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन, यू नो, माय गुरु शराज मनल्ला एंड ऑल, वी वर टॉकिंग अबाउट इट द अदर डे, कि आप लोग जो हैं एट द मोमेंट इमोशनल इंटेलिजेंस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड IQ से ज्यादा एवरीथिंग इज ऑल अबाउट EQ नाउ. तो जब EQ की बात आती है, तो देन यू वांट टू हैव अ वेरी बैलेंस्ड काइंड ऑफ लाइफस्टाइल, एंड यू शुड ऑलवेज, व्हेन इट कम्स टू द चैलेंजेस इन लाइफ, यू शुड ऑलवेज चूज द पीपल दैट यू हैंग आउट विद, चूज द पार्टनर दैट यू स्पेंड योर लाइफ विद, इन सच अ वे दैट पार्टनर शुड बैलेंस योर नीड्स. It's not that your soul should get nurtured from what that person is going to offer to you. Otherwise, if you're disturbed from home, and I think I'm lucky now that way that I have a very good partner, and we have we're raising children that way in a very positive way. But what I faced before in life, what I saw, the challenges that I'd seen,
literally to the extent where I went through the nastiest of a divorce and had to face a lot of financial and emotional and civic and society concerns. I saw people actually boycotting me just because I took up the initiative of taking a divorce. And I saw how those people changed themselves all of a sudden when I came back into limelight and they realized, oh, she's back to work. I'm so glad you've brought this up. ठीक है और ये taboo है और मुझे लगता है काफी सालों तक अभी ये taboo रहेगा. But I think at the end of the day, rather than, you know, look, personal life is personal life, but rather than putting all the blame on the woman, ताली दो हाथ से बचती है ना. ऐसे कोई relationship के अंदर भी दोनों side से कुछ ना कुछ होगा. तो just saying कि ओ अब वो हमेशा के लिए sacrifice करते रहे, for what? Because bottom line ये, if you are not happy, if you are not contented with life. And by the way, just in case people forgot, life एक ही दफा मिल रही है हम सबको. तो if we're unhappy, we won't be able to create any other happiness for anybody, चाहे वो हमारी families हो, children हो. And at the end of the day, look, we matter, right? एक अमानत है ना life आपको जो दी गई है. So I think I'm really glad that you brought this up, and I think, you know, kudos to you for being strong and for, you know, just crossing this difficult part in your path in your journey. And I'm sure it's made you even stronger, right? So I think that's something nobody can take away from you, right? So, you know, Summer, I would say 40 years of my life on one side and the last 2 years of my life on the other side. That's how I see it. And I think I would, my advice to entrepreneurs around is that we are in a very cultivating industry, a very cultivating market at the moment. Pakistan is moving when it comes to various fields. Pakistan may set market is not saturated as yet. Whatever you create and invent, it shows. And mashallah, we have such good mentoring system back there in Pakistan. I see, I'm also a motivational speaker in National Incubation Center. And, you know, I really look up to all what these people are doing. And when I see the incubation centers all across the country, and when I saw, the project that Sami Ali brought, that amazing selling machine where you're actually teaching people how to market themselves in the e-commerce industry. I think we have amazing mentors and people who are there in the industry to guide you. I work very closely with some consultants. I must take a name of one of the consultants, my mentor for Khan Qureshi, and we have been working together. Oh, FQ ke saath hi aap kaam karte hain. This is my mentor. FQ is a common factor. Theek hai. Common FQ content. Is a common factor, absolutely. And you know, it would not be nice if I don't, you know, bring up his name, because he's like my mentor. And he says it the way it is, right? Unke saath koi ye nahi ho sakti, koi hera pheri, koi bakwas thi. Everything is black and white. There is no gray. It is. It's like, sorry, what are you talking about? Jao ja ke soch ke aao. But anyway, so look, you're absolutely right. I think, beautiful message. And because hamara bilkul show time ka end, yehi last hi question tha, ke what message would you like to leave the audience with? So I think that's really important, ke bhai itni sari opportunities hai. It has never been easier in a way to start your own business. Right? Because of all of the support that's available, incubation centers maujood hain, itni sari entrepreneur support organizations hain, jaise Epiphany hai, Demo hai, Pakistan Innovation Foundation hai, I2I hai, and so on and so forth. The list goes Nest IO, and the list goes on and on. Everybody is there to support you, but at the end of the day, pyaasa kuen ke paas jaata hai. Aapne jana hai khud se, chale pehla kadam uthaein, phir dekhein kis tarah ka support aata hai na aapki taraf. And then you've got to do the work. Right, so jo aap mention kar rahi hain mentors ki and everything, everybody is there to help you, lekin gaadi to end mein aapne chalani hai, right? Koi aur to nahi aapne chalani hai somewhere. So you have to dream big, think big, and give big, and always manifest that something positive is flowing your side, but then deliver. If you just dream and don't deliver, then you know that's where the game is. And ghabrana nahi hai. And ghabrana nahi hai, bilkul theek hai. So thank you so much, Nilofer. It was fantastic talking to you. Thank you so much. Lots and lots of information. Ab once again, jo hum keh rahe the ki pyaasa koin ke paas jata hai. So ghabrana nahi hai aur pura ka pura session sunna hai. Phir hi aapko pata chalega ki kitni mazeze ki baatein ki hain. So thanks once again, Nilofer. So much, much, much appreciated. Thank you. And I'll see you soon, hopefully, Summer. We have Absolutely. A lot to share and talk Absolutely. About as we spoke earlier. Thank you. Look after yourself. जी लेडीज एंड जेंटलमैन और खवातीन हजरात, उर्दू में भी मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ. सो दिस वाज स्मैशिंग इट विद नीलोफर.
एंड नीलोफर इज फैंटास्टिक, जैसे कि आपको अब तक ऑलरेडी पता चल चुका है. इंशाल्लाह एज़ सून एज़ शी कम्स टू पाकिस्तान यू विल सी सम सेल्फीज़ विद हर एज़ वेल. इन द मीन टाइम आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ आप एपिफनी का जो यूट्यूब का चैनल है एपिफनी पाकिस्तान, गो अहेड एंड फॉलो इट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जो भी करना होता है वो सब कुछ करें, ठीक है. एंड साइनिंग आउट नाउ एंड होपफुली सीइंग यू गाइस सून.